नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। जिस रामा सिंह की एंट्री को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह बेहद नाराज चल रहे थे, उस रामा सिंह की एंट्री अब राजद में हो गई है, वो भी रातों रात। तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है। तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव उन्हें सिंबल थमा रहे हैं। तो रामा सिंह को लेकर बीते काफी समय से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पूर्व सांसद रामा सिंह को लेकर तमाम लोग जो हैं वो विरोध भी करते हुए देखे गए थे। कई उनके काफ़ी संख्या में उनके विरोधी भी थे, जो कि रावड़ी आवास पर उन्होंने विरोध किया था पिछले दिनों। और इस वक्त जो आप तस्वीर एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रामा सिंह को सिंबल दे दिया गया है। वैशाली के महनार से उनकी पत्नी को टिकट देने की बात चल रही है और लग रहा है कि अब यह टिकट भी फाइनल हो चुका है। महनार से उनकी पत्नी वीना सिंह को राजद ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो बीते कुछ दिनों से लगातार विरोध चल रहा था रामा सिंह के नाम को लेकर। आरजेडी में अंतर्कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जब बीते दिनों कुछ महीनों पहले जब रघुवंश प्रसाद सिंह जीवित थे तो उन्होंने इसका विरोध किया था। जब चर्चा चल रही थी कि रामा सिंह जो है वह आरजेडी में आएंगे, तो इसका विरोध रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया था। रघुवंश प्रसाद सिंह विरोध करते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद मान मनोबल का दौर भी शुरू हुआ था। लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी और अंततः वो जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो अब आरजेडी ने उनके इस विरोध का भी परवाह नहीं किया और रामा सिंह को अंततः टिकट दे दिया गया है। रामा सिंह की पत्नी वीना सिंह महनार से चुनाव लड़ेंगी, ये फाइनल माना जा रहा है, सिंबल दिया गया है। और अब जैसा कि चर्चाएं थी, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, महनार में चर्चा था कि मुकेश रोशन वहां से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, तो मुकेश रोशन को कल महुआ शिफ्ट कर दिया गया है, महुआ से उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है। तो अब महनार जो सीट है, महनार विधानसभा सीट जो है, वह अब रामा सिंह के हिस्से में चली गई है। तो रामा सिंह अब आरजेडी के हो गए हैं, अंततः उन्हें सिंबल भी मिल गया है। तमाम विरोधों के बावजूद तेजस्वी यादव ने उन्हें सिंबल दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव में उनका कितना असर होता है। जिस समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव ने यह बड़ा कदम उठाया है, तो उसको लेकर अब क्या कुछ कर पाते हैं रामा सिंह, कितना प्रभावी हो पाते हैं इस विधानसभा चुनाव में। तमाम अपडेट्स के लिए आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।